हेलो गाइस, तो आज हम जा रहे हैं वृंदावन। हमने सारी अपनी पैकिंग करी है, अब हमने स्नैक बैग भी ले ली, तो अब हम निकलते हैं। हमने कैब बुक कर दिया, तो हम जा रहे हैं कैब में। गाइस, अभी सभी लोग तैयार हो चुके हैं। राज, पापा, शिक्षम सब। बंदा दिखा हूँ आपको, एक घर बताऊंगी जो चुड़ाए वाला घर। चलो तो मेरे मन कर रहा है कि मैं पास में जाके एक बार एक स्लैब पे तक मार रहा हूँ। तो मुझे ठंड बहुत लगी है, हम क्या बोलेंगे, तुम क्या बोल लेंगे। तो मैं सब 5 बजे दिख चुके हैं, तो आज हम काम करेंगे कि हमें 4:15 कितने बंदे देखे। तो आज अभी हमें 5 बजे दिख चुके हैं कॉलोनी में। तो हम लोग थक लोग दूसरी साइड में जा रहे हैं। पार्किंग को नहीं जाएंगे, हर बजे सारे कुछ मतलब कितने बजे निकल गया था। तो गाइस, अभी हम कैब में बैठ रहे हैं। अब हमें दिख चुके हैं 7 बंदे। तो फिर पीछे एक रामलीला ग्राउंड था जहाँ पे रामलीला लगती है। बैग लेना नन्नू।
यहीं रुक जाओ। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं मथुरा स्टेशन पे, और ट्रेन की ब्लॉगिंग मैं आपको इसलिए नहीं दिखा पाई क्योंकि ट्रेन में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हमें सीट तक नहीं मिली। हम खड़े होकर गए पूरे रास्ते 2 घंटे के सफ़र में, और फिर हमें वहाँ से भी कोई ऑटो नहीं मिला। हमारा बैड लक हमारा साथ दे रहा है। शमान बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में, मैं तो बन के दुल्हन आज सजी, बस तुम ही हो मेरे तन मन में। शमान बसो पहुंच चुके हैं गोकुल में। वहाँ पे आपको सामने दिखती है यमुना नदी, तो इसके साथ ही हमें दिखा एक योग माया का मंदिर। जब मधुर मुरलिया बाजेगी अधरों पर खुशियां, हाँ पहले बटू मुन्ना तू हट जा। खिलाड़ी हाथ खा रहे हाथ के अंदर श्यामा। अच्छा यही है।
बिट्टू खाया जो सिमट क्या भी खेलो मैं भी लिखूं मैं बोल बोल मैं भी जाऊं चल आ जा चलो मेरे मीटिंग में जाने के मेरे पास मैं भी लिखूं कर ले घूम गोल गोल चल ले देखो चुके हैं रमन रेती मंदिर जहाँ ये मंदिर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये वो मिट्टी है जिसमें कान्हा जी खेलते थे और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थी, नॉर्मल मिट्टी से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट थी। और गाइस राज यहाँ पे घर बना रहा है, गाइस बनाते भी हैं और यहाँ पे और ये है कपड़ा पे लगाएगा तो गाइस अभी हम जा रहे हैं रमन सरोवर के और तभी चलते हैं लेंगे। क्या भैया आ गई कौन पालम गान कार ऐसे डालो ऐसे पहले एक पैर डालो डालो एक पैर और दूसरा डालो पकड़े रखना उसको काबे पकड़े रखना हाथ पैर मत फिसला देना मुझको तो गाइस मंदिर के पास एक सरोवर था जिसमें मैंने सचिन को बहुत बुरी तरीके से भिगाया और उसने भी मुझे भिगाया और उसके पास में एक पार्क टाइप था जिसमें काफ़ी ज़्यादा झूले लगे हुए थे तो हम उसमें झूल लिए और फिर चला इधर हम गए 84 खम्बा मतलब 84 मतलब उसमें खम्बे लगे हुए हैं पर वो जब भी आप काउंट करेंगे वो 84 कभी नहीं आएंगे और वो हमेशा अलग अलग आएंगे जैसे 85 87 89 ऐसा आएंगे पर कभी 84 नहीं आएंगे। तो वैसे आप जाओ उस मंदिर में काउंट कर क्या हमने भी करा था पर हमारा आया था 85 और सक्षम का आया था 86। तो गाइस ये हमें मथुरा में जाके काफ़ी अच्छा लगा तब तो हमने इसके बाद एक ले ली एक बस मतलब सॉरी मथुरा के लिए वृंदावन बसो वृंदावन में मेरी उम्र बीत गई गोकुल में मैं तो बन के नहीं हूँ मेरे तन मन में शमान बसो वृंदावन में मेरी उम्र बीत गई गोकुल में मैं तो बन के दुल्हन आज सजी बस तुम ही हो मेरे तन मन में शमान बसो अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इसका सेकंड पार्ट जल्दी आएगा आपको उसके लिए सब्सक्राइब और एक लाइक करना पड़ेगा तो जल्दी लाइक और सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट पार्ट देखिए। बाय बाय गाइस।